अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अताउर रहमान और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक, ऐसी टिप लेके आ गया हूं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देने वाली है। और ये ट्रिक ये है कि अगर आपने किसी स्कूल में काम करना है या फिर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप चाहते हैं कि आप एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करें और उसमें जो है वो सारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप जो है वो मैनुअली एक एक का नेम यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो आपको बहुत देर लग जाएगी और माइट पॉसिबल कि आपके एक दो दिन इसी काम में ज़ाया हो जाएं। क्या ही ऐसा हो कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं कि जिसके थ्रू आप जो है वो एक क्लिक के अंदर पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों के सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि एक जो है वो सर्टिफिकेट तैयार कर लेना है। अब ये सर्टिफिकेट तैयार कैसे हुआ, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। अभी के लिए आप यूँ समझें कि ये हमने सर्टिफिकेट तैयार कर लिया, अब हमने जो है वो इस पर टेक्स्ट लिखना है। मैंने टेक्स्ट यहाँ पे खाली छोड़ दिया हुआ जगह। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ जी, अताउर रहमान। ये मैंने अपना नेम लिख दिया। अब मैं यहाँ पे मूव टूल पे गया, मैंने यहाँ से जो है वो इसकी सेटिंग वगैरह कर ली और इसको इसका साइज़ वगैरह छोटा कर लिया जी। चले जी, इतना काफ़ी है। अब मैंने क्या करना है, विंडो में जाना है, करेक्टर में जाना है और यहाँ से मैंने मेक श्योर कर लेना है पैराग्राफ में जाके कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन है। ठीक है, इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। इतना काम कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक्सेल की एक शीट बनानी है, उसमें मैंने सारे नाम लिखने हैं जो मैं चाहता हूँ कि जिन नाम पे सर्टिफिकेट बन जाए। अब मैंने जो है वो इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट नेम ही आए, फादर नेम ना आए। मैं न्यू डॉक्यूमेंट में गया, मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। एक चीज़ का आप ख्याल करें कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो सेल है वो खाली ना हो, तो मैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपका कोई भी सेल यहाँ पे खाली होगा तो फोटो जो हमारे पास फोटोशॉप है वो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। सो आप क्या करना है, इसको चूज़ करना है, इसका फील जो है वो यहाँ पर ज़ीरो कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो है वो नेम कर लेता हूँ इस तरह और इसको आपने सेव करना है। सेव करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जो आप कॉलम का ऊपर हेडर के हेडिंग देंगे वो आपने याद रखनी है। आप जो है वो अगर उसको कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में आएगा, अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में आएगा। आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव एज़ में जाना है। मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। और सेव आपने किस फॉर्मेट में करना है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट डी लिमिटेड में आपने सेव कर देना है। मैं इसको कहता हूँ जी बुक वन कर लिया और मैंने यहाँ पे यस कर दिया। जब आपने इसको सेव कर लेना, आपने इसको यहाँ पे बंद कर देना है यहाँ से फाइल। अब मैं फ़ोटोशॉप के अंदर आता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने शीट बनाई है उसको मैंने फ़ोटोशॉप से कनेक्ट करना है। तो आप इमेज में आएँ और वेरिएबल्स में आएँ, डिफाइन में आएँ, यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में आएँ क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये रिप्लेस हो जाए। आपने यहाँ से अताउर रहमान वाली लेयर सेलेक्ट कर ली और अब देखें हमने यहाँ पे वो नेम लिखना है जो हमने कॉलम का ऊपर नेम रखा था। अब हमने कॉलम का नेम क्या रखा था, नेम। अब आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे हमने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना है, ये हमने लिखी है जी बुक वन टेस्ट, लोड करें, ओके कर दें। अब देखें यहाँ से ये प्रीव्यू का बटन ऑन है, तो ये देखें आपने इस लेयर पर देखना है कि ये लेयर जो है वो खुद ब खुद नेम चेंज करती जा रही है इनकी, ठीक है, जो हमारे पास शीट में थे। आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उनको सेव करना है और सेव कैसे करना है। हम जो है वो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और डाटा सेट एज फाइल में जाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना है कि हम उसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। चलें जी, मैं यहाँ पे कहाँ पे सेव करता हूँ इसको, यहाँ पे है जी ताबाई वाला फोल्डर और इसमें हम सेव कर लेते हैं। चलें जी, हम इसको सेव करते हैं जी, कहाँ कर लेंगे, इधर न्यू फोल्डर बना रहे हैं हम, फिर यहाँ बन जाएगा न्यू फोल्डर। चलें हम इसको जो है वो किधर करते हैं, न्यू फोल्डर हमें बनाना चाहिए था लेकिन हम अभी इसको जो है वो फ्रीलांसिंग में सेव कर लेते हैं, ओके करते हैं जी। और ये देखें फोटोशॉप ऑटोमेटिकली जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया है उसके अंदर इसने सेव करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पर करता हूँ जी अप्लाई टू ऑल और इसको यहाँ पर कर देता हूँ रिप्लेस। तो ये देखें जी हमारे पास फ़ोटोशॉप जो है वो ख़ुद ब खुद उसने सेव करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो फ़ोटोशॉप अभी फ़ोटोशॉप ने जो है वो सर्टिफिकेट बनाए हैं वो सब के सब जेपैग नहीं है,
वो PSD फाइल्स हैं। अब हम जो है वो यहाँ पे जाएंगे, इधर हमने फ्रीलांसिंग वाले फोल्डर में सेव किया, किधर गया जी फ्रीलांसिंग ये। अब ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट बन चुके हैं। अब हम इसका जो है वो इनको कट करते हैं यहाँ से और इनका एक अलग फोल्डर बना लेते हैं सर्टिफिकेट के नाम से, टेस्ट सर्टिफिकेट्स, ये हमने जो है वो बना लिया और इसके अंदर हम जो है वो इनको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हमने इन सब PSD को JPEG में कन्वर्ट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, फाइल में गए और स्क्रिप्ट्स में गए, यहाँ पे हमने इमेज प्रोसेसर में गए। अब हमने यहाँ से जो है वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमारी PSD फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो दाबाई में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने सेव जो है वो टेस्ट सर्टिफिकेट के नाम से सेव किया, ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सेव इन सेम लोकेशन, कि जिस लोकेशन में PSD फाइल्स पड़ी हुई हैं उसी लोकेशन में इनको सेव कर दो। यहाँ से आपने जो है वो सेव एज JPEG पे चेक कर देना है, क्वालिटी 10 इज़ ओके, और आपने इसको रन कर देना है। तो आप ये देखें जी, फोटोशॉप खुद ब खुद आपके सर्टिफिकेट जो है वो सेव करना शुरू हो गई है और ये हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उनको सेव करते हुए। और यूँ आप जो है वो एक क्लिक के अंदर एक्सेल की शीट बना के उसको फोटोशॉप से कनेक्ट करके जितने मर्जी अनलिमिटेड सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। अभी जो है वो जब ये कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। और देखें हमारे पास जो हमने फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया था, जो उसका कलर था, वो भी सेम का सेम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जो है वो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है वो हम इसको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं जब तक ये जो है वो JPEG के तौर पर सेव कर लेता है। ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम देखते हैं, दिस PC में जाते हैं, दाबाई में जाते हैं और टेस्ट सर्टिफिकेट्स। अब देखें इसने JPEG का एक अलग फोल्डर बना दिया। तो ये देखें जी हमारे पास जितने हमने नाम वहाँ पे लगाए थे ये सब के सब, अब ये देखें जी सब के सब जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं। तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।